Hey guys, subscribe and press on the bell icon and never miss the videos concept to हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट टू ट्रिक। जैसा कि हमारे चैनल की पिछली वीडियो पे, विकास सर की वीडियो पे बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं कि कंप्यूटर के बारे में कुछ बताओ, तो आज की वीडियो, जैसा कि विकास सर ने पिछली वीडियो के लास्ट में बताया था कि आने वाली वीडियो हमारी विक्रम सर कंप्यूटर से रिलेटेड करवाएंगे, तो आज की वीडियो हमारी कंप्यूटर के ऊपर है। अच्छा, कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि ये कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर आज हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट की है। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट वीडियो देखें, तब आपको जाके हमारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर्स के मेनली पार्ट्स हैं, जो हैं इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर हमारे द्वारा दिए निर्देशों को ये अपने अंदर कंप्यूटर के अंदर ले जाती है। अच्छा, उसके बाद में कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उस हमारे दिए हुए निर्देशों की प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में हमें आउटपुट प्रदान करता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जो हमारे जीवन से संबंधित है। जैसे किसी बंदे ने मेरे को काम बोला कि आप ये काम करो, वो हो गई इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट। उसके बाद में वो प्रोसेसिंग, मेरे दिमाग के अंदर वो बात चली कि उस बंदे ने मेरे को ये बात बोली है, तो इस बात को मैं करना है, वो प्रोसेसिंग चली। उसके बाद में आउटपुट यूनिट, मैंने वो काम किया या उसको उस बात का जवाब दिया, वो है आउटपुट यूनिट। तो आपको ये समझ में आ गया। चलो अब इस इनपुट यूनिट के बारे में आपको बताता हूँ। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये इनपुट यूनिट है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। इनका यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर हमारे निर्देशों को पहुँचाने के लिए इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में प्रोसेसिंग, हमारे द्वारा दिए हुए निर्देश इसके अंदर पहुँच गए, अब ये उसकी प्रोसेसिंग करेगा खुद के अंदर, उसके बाद में ये उस चीज़ के आउटपुट देगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद में प्रिंटर हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंटर के बाद में स्पीकर हो गया, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये है आउटपुट डिवाइसेज। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेज हो गए। अब प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रोसेसिंग मतलब कोई क्रिया होना किसी चीज़ में। जैसे हमारे दिमाग में किसी ने कोई बात बोली, वो सोचते हैं हम, ऐसे ही प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर होती है प्रोसेसिंग, और सीपीयू को द माइंड ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके बाद में जैसे प्रोसेसिंग यूनिट है, वैसे ही मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट का काम है डाटा को सेव करना, जो उसके अंदर हमारे द्वारा काम किया गया है उसे मेमोरी यूनिट में सेव किया। मेमोरी यूनिट के भी पार्ट हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट हैं, जैसे रैम और रोम। रैम की फुल रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इसके बाद में है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे डाटा सेव करती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल कोई भी मेमोरी हो, जैसे सीडी होगी, डीवीडी होगी, ईटीसी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड। मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक बताया है, और आने वाली वीडियो में हम आपको थोड़ा इससे हाई लेवल, इससे ऊंचा लेवल के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब को दबाने के बाद में आपको साइड में बेल बटन दबेगा, उसे भी दबाना मत भूलिए। थैंक्स।